भाजपा डोंबिवली ग्रामीण अध्यक्ष महेश पाटिल का जन्मदिन धूमधाम से संपन्न। डोंबिवली के भाजपा के नगर सेवक महेश पाटिल का जन्मदिन उनके कट्टर समर्थक और स्थानीय सहकार मित्र मंडल स्थानिक लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उनकी याद में आज सुबह भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। डोंबिवली के प्रकाश विद्यालय, वाम नगर, रवि दर्शन गली, शांति नगर विद्यालय परिसर, सरोवर बार का क्षेत्र, बालाजी मंदिर परिसर में 100 से अधिक महिला पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस स्वच्छता अभियान में सहभाग लिया। साथ ही नगर सेवक महेश पाटिल के कट्टर समर्थक और स्थानीय सहकार मित्र मंडल और स्थानिक लोगों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर डोंबिवली के कई परिसर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मरीजों को फल, लोगों को एक दिन का पेट भर खाना, बच्चों को किताबें, अनाथ बच्चों को कपड़े, आरोग्य शिविर, आंखों की दृष्टि के लिए चश्मा, कई बड़ी बड़ी बीमारियों को टेस्ट करने के लिए बाहर से बड़े डॉक्टर बुलाकर महंगे से महंगी टेस्ट मुफ्त में की, जिसमें स्थानिक लोगों के साथ परिसर के कई लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो दूसरी ओर डोंबिवली में शुरू CM चषक क्रिकेट मैच के स्टेज पर महेश पाटिल के जन्मदिन का केक काट कर बड़ी उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया। आज महेश पाटिल जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उनके ऊपर जो बहुत सारे आदमी जो प्यार करते हैं, कई जगह पे आज बहुत सारे कार्यक्रम हो गए। जैसे 3 जगह वृद्धाश्रम जहाँ पे है वहाँ पे खाना नाश्ता सब फ्री में बांटा गया। उसके बाद में आज महाआरोग्य शिविर था। महाआरोग्य शिविर में सब हार्ट से लेके अगर बाईपास किसी को ज़रूरत है तो बाईपास भी फ्री में वहाँ पे किया जाएगा। सब मेडिकल उनको फ्री में था। तो उस तरह बाद में शास्त्री नगर अस्पताल है, वहाँ पे सब फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे मरीजों को दिया गया। अभी शाम को यहाँ पे ज्येष्ठ नागरिकों के लिए उनका जन्मदिन मनाया जाएगा और उनके लिए नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है। आज महेश भाई के ऊपर जितने प्यार करने वाले लोग हैं, आज उनके अनुपस्थिति में भी वही प्यार दिखा रहे हैं। यही उन्होंने कमाए हुआ आज तक का सबसे बड़ी बात है। कितने प्रोग्राम कुल मिला के यहाँ पर थे, 25 से 30 और किस किस गलियों में थे? करीबन 1000 बच्चों को आज नोट बांटा गया 27 गांवों के स्कूल में। और सिटी के जो गरीब स्टूडेंट लोग हैं सिटी में, जो मराठी मीडियम के जो स्कूल है वो स्कूल में सब स्कूल में फ्री नोट बुक दिया गया। आज दादाच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही 25 ते 26 ठिकाणी फळं वाटप, वृद्धाश्रमांना भेटी देऊन त्यांना अन्नधान्य, तसेच नाश्ता आणि 1000 वह्या वाटप केले। आणि जवळजवळ 1 ते 1500 कार्यकर्ते प्रत्येक ठिकाणी 100-100 कार्यकर्ते देऊन ते वह्या वाटपाचा कार्यक्रम प्रत्येक शाळेत केला। आणि आरोग्यशिबिर ठेवण्यात आलेलं, त्याच्यात मोफत एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, सर्व प्रकारच्या सर्जरी सकाळपासून चांगल्या प्रसिद्धीसाठी होता। आणि किती डॉक्टरांचा समावेश होता त्याच्यामध्ये? त्याच्यात 8 डॉक्टरचा समावेश होता आणि 250 वरती पेशंट झाले। काय सांगू इच्छिता तुम्ही लोकांसाठी? लोकांसाठी आज आपल्या भाऊला चांगलं उदंड आयुष्य लाभू दे आणि त्याचं जे कार्य आहे ते तो नसतानाही जे कार्यकर्त्यांनी सपोर्ट करून चांगलं सहकार्य केलं त्याबद्दल मी सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, तसेच आज इथेही CM चषक चालू असताना भाईचा वाढदिवस साजरा करतात त्याला, तर जे कार्यकर्त्यांचं जे प्रेम आहे त्याच्यावर ते असंच राहो आणि त्याला उदंड आयुष्य लाभू दे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करते। आणि असंच त्याची भगवाट होत आहो आणि जे कार्यकर्ते आहेत तो नसतानाही त्यांनी एवढं स्वतःच्या खर्चाने शास्त्री नगर हॉस्पिटलला फळ वाटप केलं, रिक्षा स्टँडला सकाळी, तर एकाने असंच तो कोण आहे आम्हालाही माहीत नव्हता, पण तो तिथे आम्ही बघितलं बोर्ड लावून भाईच्या नावाने फुला वाटप करत होता रस्त्यावर, तर हेच प्रेम आम्हाला पाहिजे। आणि तसंच भाईला ह्याच प्रेमाने भाईचं आयुष्य अजून वाढू दे आणि त्याला चांगली भरभराट होते एवढी मी